हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गट्टा पुलाव की रेसिपी। ये एक राजस्थानी रेसिपी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम गट्टे बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने एक मिक्सिंग बोल में लिया है 1 कप बेसन। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच ही नमक डालेंगे, थोड़ा सा हल्का ही नमक रखना है इसमें। 1/4 चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे और 1 पिंच हल्दी पाउडर। हींग भी डालेंगे, हींग से बेसन डाइजेस्टिव भी हो जाता है और इसका टेस्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। तो थोड़ी हींग डाली है हमने। अब हम डालेंगे 2 चम्मच कर्ड, 2 चम्मच दही डालेंगे, हल्की खटास आएगी इससे गट्टे में और गट्टे बहुत टेस्टी बनेंगे। 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है यहाँ पर मैंने, और 2 चम्मच ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हाथ से मलते हुए एक इसका टाइट डो लगाकर हम तैयार करेंगे। दही का मॉइस्चर इसमें है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो 2 से 3 चम्मच आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करा है और इसको फिर मलते हुए इसका एक टाइट डो लगाकर तैयार कर लिया है। डो को हमें बहुत अच्छी तरह से नीट कर लेना है। सारे मसाले हमने इसमें मिला रखे हैं, बहुत अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए इसको नीट कर लेंगे। तो डो हमारा लग के बिल्कुल तैयार है। अब डो को एक साइड शिफ्ट करते हैं और एक रोलिंग बोर्ड ले लेंगे। अब जो डो हमने बनाया था उसके हम छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इतने डो से मैंने 7 से 8 बॉल बनाकर तैयार कर ली हैं जिनको हम रोल करेंगे। अब इनमें से एक बॉल लेकर हम इसको इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। तो आप इसे थोड़ा बड़ा या छोटा बना सकते हैं, लेकिन पुलाव के लिए जब हम गट्टे बनाते हैं तो उन्हें छोटा ही रखते हैं। दोनों किनारों को थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे हाथ से और इस तरह सारे मैंने रोल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें कुक करना है। तो कुक करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर लगभग 1 से 2 लीटर पानी। इसमें सारे रोल डाल देंगे और इसको हम 10 मिनट तक कुक करेंगे। मैंने सारे रोल इसमें डाल दिए हैं। अब हमें इसे अच्छी तरह 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में बबल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको कवर करके भी कुक कर लेते हैं, तो ये जल्दी कुक हो जाते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर कवर कर दिया है और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गैस छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए खोल के चेक करते हैं। गट्टे अच्छी तरह से पक गए हैं, तो इनको चलिए निकाल लेते हैं। पानी को अलग करते हुए गट्टों को एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं रोल पे सब तरफ वाइट स्पॉट आ गए हैं। इसी तरह से गट्टे पक जाते हैं, यही पहचान होती है इसकी। तो देखिए हमारे सारे रोल्स पे बहुत अच्छी तरह वाइट वाइट निशान आ चुके हैं। तो इससे मतलब है कि गट्टे हमारे बहुत अच्छी तरह पक के तैयार हैं। 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इन्हें छोड़ दिया था। अब ठंडे गट्टों को हम कट कर लेंगे। तो ये ठंडे हो चुके हैं गट्टे, इनको छोटे छोटे पीसेस में हमें कट कर लेना है। नॉर्मल गट्टे थोड़े बड़े बनाए जाते हैं जब हम पुलाव के लिए गट्टे बनाते हैं, तो इनको छोटा जितना बनाएंगे उतना अच्छा टेस्ट देंगे ये। तो इस तरह से सारे गट्टे मैंने कट करके तैयार कर लिए हैं पीसेस में। अब हम इनको हल्का फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो एक पैन में मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, रिफाइंड ऑयल। इनमें हम गट्टे को अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका था, तो इसमें मैं सारे गट्टे डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। सारे गट्टे मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और सब तरफ से अच्छा ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस में। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। गट्टे डायरेक्ट पुलाव में भी डाले जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ्राई करके डालने से उनका कलर और टेस्ट दोनों ही अमेजिंग हो जाता है। तो मैं इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए गट्टे फ्राई हो चुके हैं हमारे, सारा ऑयल गट्टे ने अब्सॉर्ब कर लिया है और बहुत अच्छा कलर इनका हो गया है। तो देख सकते हैं आप, अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है सारे गट्टे में। चलिए अब पुलाव बनाते हैं। पुलाव बनाने के लिए एक पैन को मैंने हीट करा है। इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, कोई सा भी ऑयल आप ले सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है हम डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 2 इलायची, लगभग 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी और तेज़पत्ता। यहाँ मैंने 2 तेज़पत्ता लिए हैं, इनको अच्छी तरह क्रश करते हुए डालेंगे।
खुशबू और टेस्ट दोनों आता है खड़े मसाले यूज़ करने से। जैसे ये मसाले चटक जाते हैं हम डाल देंगे यहाँ पर आधा चम्मच ज़ीरा और एक मीडियम साइज़ का अनियन जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 10 से 12 लहसुन की कली जिसको मैंने फाइनली चॉप करा है और आधा इंच का अदरक का टुकड़ा इसको भी मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। ये सारी चीज़ें मिला के हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस लाइट ब्राउन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं प्याज ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, बस इतना ही हमें पकाना है प्याज को। अब हम डाल रहे हैं 3 से 4 हरी मिर्च, इनको मैंने स्लिट कर लिया है, और कुछ करी लीव्स। इन दोनों चीज़ों को भी कुछ सेकेंड के लिए सॉटे करेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 कप हरी मटर। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं या इसकी जगह काजू और पीनट भी डाल सकते हैं, उन्हें हल्का रोस्ट कर लेंगे, वो इसमें मिला देंगे। तो मैंने यहाँ पर हरी मटर डाल ली है, कुछ सेकेंड्स के लिए इसे भी फ्राई कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे मसाले। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ मैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच ही रेड चिली पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक एज़ पर योर टेस्ट। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं, और 1/2 चम्मच ही किचन किंग मसाला, आप इसकी जगह गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो गट्टे हमने फ्राई किए थे वो इसमें पूरे मिला देंगे और सारे मसालों के साथ में इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ईजी और बहुत अमेजिंग रेसिपी है ये, कुछ खास इन्ग्रीडियंट्स भी नहीं है, आई थिंक सबके घर में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसी तरह से बनाएं, आपको बहुत पसंद आने वाली है। अब इसमें हम मिला देंगे बॉइल्ड राइस। ये प्लेन बॉइल्ड राइस है लेकिन इसका दाना खिला खिला है। जब भी आप इस तरह से चावल बनाएं तो चावल का दाना एकदम अलग अलग होना चाहिए, तो इस तरह के पुलाव बहुत अच्छे बनते हैं। तो सारा राइस मैंने इसमें यहाँ पर डाल दिया है। अब बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स कर देंगे जिससे कि चावल के दाने टूटे नहीं। आप इसमें कुछ नट्स भी मिला सकते हैं, उन्हें भी हल्का रोस्ट करके आप इसमें मिला दीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा गट्टा पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। माउथ वाटरिंग रेसिपी है, बहुत अच्छी बनती है। तो इसे फिनिश करेंगे बारीक कटे हुए हरे धनिए से और हमारा बहुत टेस्टी गट्टा पुलाव बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे हरे धनिए की चटनी, रायता या किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं या ऐसे ही खाने में ये बहुत फ्लेवरफुल और टेस्टी लगता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी गट्टा पुलाव। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल निक्कीज़ रसोई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।